It has enabled us to evolve a single cell organism into the dominant species on the planet. This process is slow, taking thousands of years. But every few hundred millennia, evolution leaps forward. अपने फील्डर्स को लेके मैदान में पहुंचे, बल्लेबाज रेडी रहे प्लीज, मैच शुरू करनी है। रेनिगेड्स अपनी फील्डिंग सजा ले प्लीज।
अंपायर ओके प्लीज मैदान में। 8:25 हो गए, 8:30 को मैच स्टार्ट करनी है। चलिए चलिए जल्दी कीजिए प्लीज। सिर्फ 3 मिनट बाकी है, 8:27 हो चुके हैं। फील्डर्स बैट्समैन रेडी रहे।
Mutation. The key to our evolution. It has enabled us to evolve a single cell organism into the dominant species on the planet. This process is slow, taking thousands of years. But every few hundred millennia, evolution leaps forward. फील्डिंग साइड पहुंच गई है, बैट्समैन पहुंचिए, बैट्समैन प्लीज पहुंचिए जल्दी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू एमआईटी ग्राउंड औरंगाबाद महाराष्ट्र, जहां पर सीएपीएल सीजन 14 खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट का आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का यह पहला मुकाबला सीए रेनिगेड्स वर्सेस सीए पेट्रियट्स के बीच। रेनिगेड्स ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। 10 ओवर्स की मैच, और पहले तीन ओवर का खेल पावर प्ले का होगा। एम्पायर का इशारा यहां पर आता हुआ, और वाइड से शुरुआत। और मोड़ा है इसको ऑन साइड में, एक रन का यहां पर वक्त था। फिर से सॉफ्ट हैंड से खेला ऑन साइड में और एक रन का यहां पर मौका था, एक रन हासिल किया, कुल स्कोर 3 रन। मयंक और चंकित धनुका की जोड़ी मैदान में।
रेनेगेड्स ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। स्वप्निल पटनी, बढ़िया शॉट, यकीनन ये गेंद लॉन्ग लेग क्षेत्र से पार कर जाएगी बाउंड्री को 4 रन के लिए। कुल स्कोर 7। तो मयंक की बैट से निकलता हुआ यह पहला चौका। स्वप्निल पटने स्टंप्स में गेंद थी, दिफाई अंदाज स्टंप्स कवर किए, खेला बैक टू द बॉलर, बढ़िया फील्डिंग, फॉलो थ्रू में कोई रन नहीं। पहले ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 7 रन। जगह बनाई, मोड़ा इसको बिहाइंड स्क्वायर्स और बढ़िया फील्डिंग वहां पर, लेकिन इससे पहले बहुत तेज दौड़ लगा चुके थे 1 रन के लिए। स्कोर 8। चेस किया था इसको ऑफ स्टंप के बाहर, बीच में इस पर लक्की रहे कि एज नहीं हुआ, अदरवाइज विकेट कीपर बिल्कुल तैयार थे। फिर से सिंगल की तलाश और पूरा करते हुए बल्लेबाज ऑन साइड में खेला बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, और खिलाड़ी काफी दूर है बिल्कुल रिंग के ऊपर खड़े हुए, तब तक मौका था 1 रन लेने का। पहले ओवर की समाप्ति, पैट्रियट्स 10 रन बिना किसी नुकसान के। स्कोर है 10। पहली ओवर की समाप्ति, अफरोज शेख इनिंग्स का दूसरा ओवर, बढ़िया गेंद थी लेकिन बहुत खूबसूरत फ्लिक खेला यहां पर। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, अच्छी फील्डिंग और एक ही रन यहां पर मिलेगा बल्लेबाजों को। क्लिप गया था इसको, पैरों में गेंद की थी, हल्का सा मूवमेंट गेंद में। स्कोर 11 रन। कट किया इसको, बढ़िया शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी, डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में खेला गया शानदार कट, 4 रन। ब्यूटीफुल शॉट, बहुत खूबसूरत ऑफ ड्राइव खेला, लॉन्ग ऑफ पर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन मिलेगा। स्लॉट में गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक, प्लेसमेंट अच्छा होता तो और ज्यादा रन मिलते। कुल स्कोर 16। एंड गॉन, कवर के ऊपर से अप एंड ओवर दी सर्कल खेलने का प्रयास, नई गेंद है, उतना पावर नहीं था स्ट्रोक में और कवर क्षेत्र पे बिल्कुल रिंग के ऊपर पकड़े गए, और इस तरह से पैट्रियट्स ने खोया है अपना पहला विकेट। चंकित धानुका इज गॉन,
नए बैट्समैन आशीष। कैच का क्राय और एक विकेट हो सकता था, लेकिन आसान सा कैच मिड ऑफ पर छोड़ दिया है खिलाड़ी ने। बहुत आसान सा कैच था, लॉफ्टेड ड्राइव खेला था, मिड ऑफ को क्लियर करना चाह रहे थे और इस तरह से आशीष को मिलती हुई ये लाइफ लाइन। एक रन से खाता खोल गए हैं, टीम का स्कोर 17 for 1। और अप्रोच को पहले ओवर में सफलता मिली है। संकेत धानुका को आउट किया, बढ़िया शॉट, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और ये 4 run पुल किया है इसको स्क्वायर लेग के जाने। बढ़िया शॉट, शॉट ऑफ लेंथ गेंद पनिश किया इसको। 2 ओवर की समाप्ति पर पैट्रियट्स का स्कोर है 21 run 1 विकेट के नुकसान पर। एवरेज रन रेट इस समय है 10.5 का। स्टंप्स में गेंद थी, इसको स्वीप खेलने का प्रयास बैट्समैन का, गेंद ठीक तरह से बैट पर नहीं आई, कोई रन यहां पर नहीं मिलेगा। स्कोर 21 for 1, मयंक 15 for और आशीष अभी अभी आए हैं, 1 run बनाकर खेल रहे हैं। लेट कट किया इसको। स्वप्निल पटनी अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, एक विकेट की तलाश में गेंदबाजी कर रहे हैं स्वप्निल। पैट्रियट्स 22 for 1। दिफाई अंदाज, जेंटल पुश ऑन द ऑफ साइड, बहुत वाइल्ड थ्रो, इतने नजदीक है, मैं तो समझता हूं सिर्फ 15 yards पर ही खिलाड़ी होंगे, लेकिन थ्रो नहीं कर पाए विकेट कीपर के पास में और बैकअप करने के लिए भी खिलाड़ी आए थे, लेकिन उनको बीट करती हुई गेंद निकल गई थी। 3 run यहां पर जुड़े हैं, स्कोर पहुंच गया है 25। मयंक 18 और आशीष 2 run बनाकर खेल रहे हैं। मयंक 18 from 8, आशीष 2 from 3। अच्छा लीव किया इसको, लेग स्टंप के बाहर ये गेंद थी, इसको वाइड घोषित किया एम्पायर ने। कुल स्कोर 26 और रन रेट यहां पर काफी अच्छा है। एक मोमेंटम देने की कोशिश टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पैट्रियट्स के। कनेक्शन अच्छा है, गैप में खेला गया, काउ कॉर्नर रीजन की तरफ यह गेंद जाती हुई और 2 run यहां पर हासिल कर लेंगे बल्लेबाज। अच्छा शॉट, अच्छा प्लेसमेंट था, हल्का सा डीव है ग्राउंड पर, गेंद नहीं है उतनी तेजी से, स्ट्रोक नहीं निकलेगा, गेंद ट्रैवल नहीं करेगी फास्ट। और जगह बनाते हुए इसको स्क्विबल खेलना चाह रहे थे विकेट कीपर के बिल्कुल करीब ये गेंद गई थी और बाय के रूप में ये एक्स्ट्रा रन यहां पर जुड़ा है। 28 for 1। पहले 3 ओवर्स का खेल पावर प्ले का है जिसमें फील्ड रिस्ट्रिक्शन रहेगा और उसके बाद में एक बैटिंग पावर प्ले का 1 ओवर होगा। बढ़िया रन, बहुत अच्छा रन लिया, जैसे गेंद बैट पर आई थी वैसे ही इरादा बना लिया था कि इसको हल्के हाथों से खेलकर या ड्रॉप करते हुए रन लेंगे और बढ़िया रन यहां पर लिया है। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30।
शुभम जैन आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। फर्स्ट बॉलिंग चेंज और मैक ने ऑन साइड में खेलते हुए एक रन हासिल किया। वो पहुंच गए 20 पर। टीम का स्कोर 31 31-1। एज 10 गॉन। काफी बाहर ये गेंद थी, अगर छोड़ देते तो शायद ये गेंद वाइड होती। चेस किया इसको कट करने की कोशिश, एज लेती हुई गेंद गई विकेट कीपर के ग्लव्स में और पैट्रियट्स ने खोया है अपना दूसरा विकेट। आशीष बाहेती आउट हो चुके हैं। स्टंप के बाहर खेलना चाह रहे थे बी टू एस पर बल्लेबाज। इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, लेकिन इस पर भी स्ट्रोक खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने। आशीष मुंदड़ा नए बल्लेबाज आए हैं। 32-2। चौथे ओवर का खेल जारी है। शुभम आशीष के लिए। जगह बनाई थी और बिल्कुल इरादा बनाया था कि इसको ऑन साइड में खेले, लेकिन अंत में अपने इरादे को बदला, डिफेंड किया, इसको ऑफ साइड में गेंद गई। कोई रन की संभावना यहां पर नहीं थी। रन चाहते थे आशीष, लेकिन मयंक ने मना किया। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं शुभम जैन। बहुत ही टाइट ओवर उनका, सिर्फ 2 रन अब तक आए हैं 5 गेंदों से और 1 विकेट भी ले चुके हैं। आशीष को गेंदबाजी कर रहे हैं। आशीष ने 3 गेंदें खेली हैं, अब तक खाता नहीं खोल पाए। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन गेंद वाइड नहीं है। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 32-2। चार ओवर की समाप्ति, स्कोर है 32। अच्छी शुरुआत, राम मिलन जांगिड़ है गेंदबाज
और पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिस पर स्ट्रोक खेलने गए बल्लेबाज मयंक पूरी तरह से बीट हुए। चंगीड 11 गेंदों से मयंक 20 रन बनाकर खड़े, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। एक तरफा बिल्कुल डटे हुए क्रिस पर स्लाइस किया इसको, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ एक रन यहां मिलेगा। अच्छा प्लेसमेंट होता तो यकीनन गेंद बाउंड्री की तरफ जाती, लेकिन अच्छा स्टॉप, गले में खिलाड़ी मौजूद हैं और सिर्फ एक ही रन मिलेगा यहां पर मयंक को, पहुंचे 21 पर। आशीष जो कि 4 गेंदों का सामना कर चुके हैं, अब तक खाता नहीं खोल पाए हैं, राम मिलन तैयार है। स्टीयर किया इसको, एक रन मिलेगा। शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी मौजूद है। चौतीस पर दो, राम मिलन ने भी काफी अच्छी गेंदे की है अब तक, जो 3 गेंदे फेंकी हैं, 2 रन इसमें दिए हैं और अच्छी शुरुआत उनकी इस ओवर की। काफी दूर थी ये गेंद ऑफ स्टंप के, लेकिन इसको भी खेलना सही समझा बल्लेबाज ने। इनर एज लगा, अंडर एज मैं कहूंगा, और गेंद गई ऑफ साइड में। 1 रन का मौका था, स्कोर हुआ है 35, 35-2। मयंक 22 और आशीष 1 रन बनाकर खेल रहे हैं। 8 गेंदों से 4 रन की पार्टनरशिप यहां पर हुई है। रन रेट है 7.5 का, 7.5। यहां पर वाइड एक्सपेक्ट कर रहे थे बैट्समैन, लेकिन वाइड नहीं है गेंद। यॉर्कर लेंग ऑफ स्टंप के बाहर, ब्लॉक किया इसको, कोई रन यहां पर नहीं मिलेगा। और इस तरह से अब 5 ओवर्स का खेल खत्म हुआ है। पेट्रियट्स ने बनाया है 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। रन रेट है 7 का, आशीष 1 और मयंक 22 रन बनाकर खेल रहे हैं। थोड़ा सा धीमा क्रिकेट यहां पर चलता हुआ, और यही मैसेज लेकर खिलाड़ी पहुंच रहे हैं ड्रिंक्स लेकर मैदान में। 10 गेंदों से 4 की पार्टनरशिप हुई है, और जैसे ही 6 ओवर का खेल शुरू होगा बिराड़े सर आपके साथ में जुड़ेंगे। पांच के बाद स्कोर है 35। हेलो, या ठिकाणी
ज्यावेळेस 5 षटकांचा खेळ संपलेला आहे तेव्हा धावसंख्या 39 दोन गडी बाद. आशिष मुंदळा एक धाव काढून खेळत आहे तर मयंक मात्र या ठिकाणी खूप सुंदर खेळताना दिसतोय आणि गोलंदाजी करतायत ते. या दरम्यान एक धाव येताना दिसते, एकूण धावसंख्या 36. एकेरी दुहेरी धावांनी धावसंख्या या ठिकाणी वाढताना दिसते. यश लोहिया गोलंदाजी करतायत. 435 क्रमांकाची जर्सी परिधान केलेला हा खेळाडू कॉमेंट्री बॉक्स एंडनी गोलंदाजी करतायत. यश लोहिया उत्तम स्ट्रोक, कारण आता खेळ हा डेथ ओव्हर मध्ये जाईल. इथून मात्र धावा जमा करणं गरजेचं आणि तो प्रयत्न या ठिकाणी करताना दिसतायत फलंदाज. आशिष मुंदळांकडे क्षमता आहे चेंडू तळकवण्याची आणि ते तो प्रयत्न करतील यात शंका नाही. आज पहाटेपासून 8:30 या सामन्याला सुरुवात झाली. 6 षटक टाकलं जात आहे आणि यश लोहियाचा हा चेंडू ऑफ स्टिकच्या बाहेर. चेंडू उत्तम जागी त्यांनी पिच केला, एक धाव घेण्यापासून मात्र तो वाचवू शकला नाही. एकेरी दुहेरी धावांनी धावसंख्या या ठिकाणी वाढताना दिसते आपल्याला. यश लोहिया पुन्हा गोलंदाजीच्या मार्गावर. यश लोहिया आज स्पर्धेचा दुसरा दिवस. कडक स्ट्रोक हवेत नाही येतोय, किती धावा बघूया. पण मात्र या ठिकाणी झेल जाताना दिसतोय आणि हा गडी बाद होतोय या ठिकाणी. आशिष मुंदळा सोमाणी आसमंतात अगदी मिसाईल लावल्यासारखा चेंडू खाली येत होता आणि त्यावेळेस त्याने अगदी सहजगत्या आपल्या कवेत घेतला आणि गडी बाद केला तो आशिष मुंदळा. लोहिया यश लोहियांना मिळालेली विकेट. एकूण 3 गडी बाद झालेले आहेत. खरं तर आज या सामन्याच्या दुसऱ्या दिवशी आपल्याला रोमांचकता बघायला मिळणार आहे आणि या ठिकाणी यश लोहियांना डीप इंट विकेटवर शुभम सोमानी यांनी झेल घेतला आणि तंबूचा रस्ता दाखवला त्यांची जागा भरून काढण्याकरता. नवीन फलंदाज आलेले आहेत मैदानावर, तरुण पगारिया. पगारियांना आपल्या संघासाठी काहीतरी करावं लागेल कारण साधारण काल मी जोपर्यंत कॉमेंट्री करत होतो तेव्हा हायएस्ट धावसंख्या होती 87 आणि यात चांगला अप्रतिम. यश लोहिया षटकाचा शेवटचा चेंडू, तितकाच उत्तम स्ट्रोक. दोघांच्या मधनं कव्हरच्या दिशेने जाणारा हा चेंडू डीप कव्हर वरनं परत येतोय. तोपर्यंत 2 धावा अगदी सहज जमा होतील. उत्तम क्षेत्ररक्षण आणि याबरोबर 6 षटकांचा खेळ संपतोय तेव्हा एकूण धावसंख्या होते 40. 40 लॉस ऑफ 3 विकेट. तरुण पगारिया आणि मयंक या दोघांनी मिळून धावसंख्या वाढवण्याचा सपाटा लावणं गरजेचं आहे कारण केवळ 40 धावांवर 3 गडी बाद झालेत. 6 षटकांचा खेळ संपलाय. आता याच्यानंतर केवळ 24 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि साधारणपणे धावा या होतील 70 आसपास असं इथं व्हील दाखवतंय. पण मात्र खेळाडूचं व्हील पॉवर जर चांगलं असलं तर धावा यापेक्षाही जलद गतीने आपल्याला जमा करता येतील. आदित्य जेथलिया गोलंदाजी करण्याकरता येतोय. क्रमांक 16 ची जर्सी घातलेला हा खेळाडू याच्या समोर मयंक.
खूप बाहेर आणि हा व्हाईट बेहतरीन. और एक गेंद या ठिकाणी सीमारेषा ओलांडून गेली ती चार धावान करता. हॅलो 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 चेक आवाज आलाय माझा तिथपर्यंत. धन्यवाद. एक अजून गळीबाद होताना दिसतोय आपल्याला. आज मात्र पॅट्रियॉट संघाला संकटांना सामोरं जावं लागतंय. एकापाठोपाठ एक गळीबाद होत आहेत आणि सातव्या षटकाच्या चेंडूवर या ठिकाणी आपल्याला चौथा गळीबाद होताना दिसतोय. पंचेचाळीस वर तीन गळीबाद झाले. loss of 4 wicket and 6.2 over is the complete date and Mr. Tarun Pagaria जेतलियाला मिळालेली ही पहिली विकेट आहे. जेतलियाने दोन चेंडू टाकलेत आणि त्यात पाच धावा देत त्यांनी एक गडी बाद केलेला आहे. बाद होणारा गडी होता मयंक विजय वर्गीस. त्याला कॅच आउट केले गेले ते कौ कॉर्नर वरनं ते यश लोहियाच्या माध्यमातून. एक चांगला चेंडू. जेतलिया आदित्य जेतलिया मात्र आज आपल्या संघाकरता पहिलं षटक टाकत असताना त्यांनी एक स्थिर झालेला गडी बाद केलेला आहे. एक धाव केवळ मिळणार. एकेरी धावांनी धावसंख्या पुढे जाताना दिसते आणि 50 मार्गावर धावसंख्या मार्गक्रमण करते. तरुण पगारी यांनी दोन धावा घेतलेल्या आहेत. लेग स्टिक वर पडलेला बॉल आणि आदित्य जेतली यांनी मात्र डोक्याला हात लावलेत कारण हा चेंडू अगदी योग्य जागी पिच केलेला होता. सातव्या षटकाचा शेवटचा चेंडू आदित्य जेतली टाकतायत. कट लागलेला होता. चेंडू जातोय तो सीमारेषेकडे. धावतायत पॅट्रियॉटचे खेळाडू. चेंडू अडवला. दोन धावा अगदी सहज आणि तिसऱ्या करता पावलं बाहेर काढलीत पण मात्र माघारी घ्यावी लागलीत. अन्यथा या ठिकाणी गडी बाद होण्याची शक्यता होती. आणि याबरोबरच आपल्याला बघायला मिळतंय या सात षटकांच्या खेळानंतर एकूण धावसंख्या झालेली ती 48. चार गडी गमावून 48 धावा. आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस आणि दुसऱ्या दिवसाचा हा पहिला सामना. पुन्हा एकदा यश लोहियावर विश्वास टाकलाय त्यांच्या कर्णधारांनी कारण मागच्या षटकात केवळ 5 धावा देत एक चांगला गडी बाद केला होता त्यांनी. यश लोहिया
कडक स्ट्रोक हवेतन प्रवास करतोय आणि चेंडू सीमारेषेच्या जवळ जातोय. त्याला अडवलं, परत केलं आणि केवळ दोन धावा. अभिनंदन पेट्रियॉट्स, आपल्या 50 धावा पूर्ण झालेल्या आहेत. पेट्रियॉट्स संघाने या ठिकाणी 50 धावा पूर्ण केल्यात. आज आपलं सहकार्य आम्हाला अपेक्षित असेल, वेळेनुसार आपल्याला चालायचंय, तरच हे सामने पूर्ण होतील. कारण दिवसाला एवढी सामने खेळणं खूप मोठी जबाबदारी आहे. यस, परत त्याच ठिकाणी तशाच पद्धतीचा क्षेत्ररक्षक धावतोय. किती धावा होत आहेत बघूया. परत दोन होतात का? जी हा, या दोन धावा. एकूण धाव संख्या झाली ती 52, 4 गडी बाद. यश लोहिया अप्रतिम मारा करतोय, पण मात्र इथे डेथ ओव्हर सुरू झाल्या आणि फलंदाजांना वाटतं की आता धावा काढणं गरजेचं आहे. वा, क्या बात है. ऑफ स्टिक वरचा चेंडू सरळ गेला, त्याला खेळता आलं नाही फलंदाजाला. आणि मोहित रुनवाल मात्र पूर्णपणे चुकले, चेंडू कव्हर केला तो एसटी रक्षकानं आणि पुन्हा गोलंदाज यश लोहियाकडे. एक अजून तसाच चेंडू, त्याच धाटणीचा, तशाच प्रकारचा. सीए यश लोहिया. यस, लगातार अप्रतिम आणि उत्तम चेंडू टाकताना आपल्याला गोलंदाज दिसत आहेत. त्यांचं करावं तेवढं कौतुक कमी. आज या पहिल्या दिवसाच्या सामन्यामध्ये आपल्याला 52 धावा झालेले दिसत आहेत. यश लोहिया आपल्या दुसऱ्या षटकाचा शेवटचा चेंडू घेऊन निघाले. कॉमेंट्री बॉक्स एंडनी धावा किती होत आहेत बघूया. केवळ एक धाव होईल आणि 53 धावांवर 8वं षटक संपते. 8 षटकांच्या समाप्तीवर 53 धावा, 4 गडी बाद अशा पद्धतीचा हा स्कोर आहे. आणि आता केवळ चेंडू शिल्लक आहेत ते 12. पॅट्रियॉट आणि रेनगाडच्या दरम्यानचा हा सामना आज पहाटे. रेनगाड संघाने नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूला घेतला आणि त्यांनी प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि पॅट्रियॉट संघाला आमंत्रित केलं ते फलंदाजी करण्याकरता. यश लोहियाच्या जागेवर नवीन गोलंदाज पुन्हा एकदा. ओ, चेंडू काही काळ हवे ते कव्हर्समधला चेंडू चालला. कव्हर्सवर उभ्या असलेल्या डीपवरच्या खेळाडूने येऊन चेंडू उचलला, परत केला. केवळ एक धाव. नव्या षटकाचा पहिला चेंडू टाकला गेला तो आदित्य जेतली याच्या माध्यमातून. जेतली या गोलंदाजी करतोय, अगदी तोलून मापून गोलंदाजी आहे. मी आपल्याला सांगितलं की काल हायएस्ट धाव संख्या होती 87. काय ती धाव संख्या पार होईल का आज? यस, माझ्या उपस्थितीत जे सामने झाले त्याच्यात 87 ही धाव्यस्त धाव संख्या होती. नंतर काय झालं माहित नाही. ओ हो हो हो,
तरुण पगारिया आपल्या संघा या एक चांगला चेंडू आणि अपील होते पंचांनी अपील फेटाळून लावलं पण मात्र आदित्य जेतली यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी अप्रतिम मारा करतायत त्यांनी 2.4 षटकामध्ये केवळ 9 धावा देत एक गडी बाद केलाय तरुण पगार यांचा जो स्कोर आहे या डेथ ओव्हर मध्ये तो थोडा कमी वाटतोय कारण 7 चेंडू खेळल्यानंतर केवळ 4 धावा झालेल्या आहेत इथे मात्र जबाबदारी वाढते फलंदाजाची चेंडू जाईल तो सीमारेषा ओलांडून आणि या गरज असताना योग्य वेळी आलेल्या 4 धावा ओ या ठिकाणी ज्या पद्धतीने धावा निघाल्यात त्या वाखाणण्यासारख्या कौतुक करण्यासारख्या आणि दोघांमधला समन्वय आणि ताळमेळ आपल्याला चांगला बघायला मिळाला आदित्य जेतली आपण 2 षटक टाकलीत 15 धावा दिल्यात आणि 1 गडी बाद केलेला आहे ज्यावेळेस 9 षटकांचा खेळ संपतोय तेव्हा एकूण धाव संख्या 66 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि गडी बाद 4 आता हे 6 चेंडू ठरवतील की एकूण धाव संख्या किती होईल जिंकण्याकरता टार्गेट केवढं असेल ते दहाव्या षटकाचा पहिला चेंडू हवेत लॉंग ऑन लॉंग ऑफच्या दिशेने आलेला हा चेंडू परत होतोय केवळ 1 धाव इथे मात्र साधारणपणे 70 पर्यंत धाव संख्या जाईल का कारण 6 चेंडूत 10 धावा होतात का बघूया 5 चेंडू शिल्लक आहेत 1 धाव आलेली 61 धावा 4 गडी बाद तरुण पगारियाच्या 10 धावांमध्ये 1 चौकार आलेला आहे आणि त्यांचा चांगला स्ट्राईक रन रेट आहे मोहित रुनवाल त्यांना साथ देत आहेत 10 चेंडूत 8 धावा काढून आणि गोलंदाजी करतायत सीए अफरोज शेख कॉमेंट्री बॉक्स एंडने बढ़िया छान ऑफ स्टिक वरन चेंडू गेला पाठीमागे आणि हा वाईट ये अप्रतिम चेंडू वाह क्या बात है अफरोज शेख तारीफ काबिल सराहनीय आणि अप्रतिम गोलंदाजीचा या ठिकाणी आपण नमुना दाखवत आहात अफरोज आपल्या षटकातला पुढचा चेंडू घेऊन तयार होत आहेत केवळ 1 धाव दिलेली त्यांनी आतापर्यंत या षटकात परत एकदा तशाच पद्धतीचा करावं तेवढं वर्णन कमी आणि डेथ ओव्हर मध्ये ज्यावेळेस शेवटच्या षटकात अशी गोलंदाजी होते त्यावेळेस
गोलंदाज हा अप्रतिम गोलंदाजी करतोय हे सांगणं काही वेगळं ठरणार नाही. अप्रतिम गोलंदाजी अफरोज शेखच्या माध्यमातून. हा चेंडू परत हवेत आहे अफरोज शेख खाली आणि इतक्या वेळ ओ काही हरकत नाही. एका यात्रेने देव म्हातारा आहोत नसतो की लहरों से डरकर नौका पार नाही होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नाही होती. अफरोजच्या माध्यमातून एक चांगला चेंडू आपल्याला बघायला मिळाला. हवेत गेलेला हा चेंडू मात्र तो कॅच कन्वर्ट नाही करू शकला. त्याचं शल्य त्याला निश्चित असणार आहे. दोन चेंडू बाकी 63 धावा. आम्ही साधारणपणे 70 सांगितल्या होत्या पण आता मात्र वाटतं 67 च्या आसपास धावा थांबतील. हवेत न येतोय किती धावांकरता बघूया. या 6 धावा आणि 70 सांगितलेल्या धावा होत्या. धावा झाल्या 69. आपण जर चूक केली तर त्याची किंमत मोजून द्यावी लागते. झेल कन्वर्ट नाही केला आणि स्ट्राईक रोटेट झाली त्याची किंमत मोजून द्यावी लागली. 69 अफरोज आपल्या भात्यातला शेवटचा बाण घेऊन निघालेला आहे तो टार्गेटवर टाकण्याकरता. आणि गळी बाद होतोय. 70 धावा जिंकण्याकरता लागतील. मोहित रुणवाल 14 धावा. तरुण पगारिया 11 धावा. अफरोजनी 2 षटक टाकलीत 20 धावा दिल्यात आणि 2 गळी बाद केलेत. याबरोबरच या ठिकाणी हा डाव संपतोय. यानंतर होणाऱ्या सामन्याच्या नाणेफेकीचा कौल लगेचच या ठिकाणी घेतला जाईल. दोन्ही कर्णधारांना विनंती आहे की कृपया आपण पांडे सर योगेशजी अग्रवालजी टॉस करून घेऊया आपण लगेच. सर प्लीज. रवी शिंदे सर आपलं नेहमीच उत्तम सहकार्य लाभलेलं आहे आम्हाला. कृपया आपण लगेचच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यावं. हरिकेन्स अँड रेंजर्स मॅ आय रिक्वेस्ट टू बोथ टीम कॅप्टन्स. रेंजर्स अँड हरिकेन मैं दोनों भी टीम के कप्तानों से निवेदन करता हूं कृपया टॉस के लिए आ जाए. वंस अगेन रेंजर्स एंड हरिकेन. हँडसम पर्सनॅलिटी. चला बॅट्समन पाठवा लवकर. कोण जिंकलं शैलेशजी? अच्छा सर काय घेतलं? नितीन बॅटिंग फर्स्ट. अच्छा ओके. महाराष्ट्रातले आणि भारतातले नामवंत समालोचक. मग आता तुला इतकं डिमांड आहे म्हणतो तू म्हटल्यावर. आपल्याशी जुळतायत.
बढ़िया शुरुआत पहली गेंद पर, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर भेज दिया है, बढ़िया शॉट, शॉट ऑफ लेंथ और बहुत ही क्विकली पोजीशन में आ गया, मोड़ दिया इसको स्क्वायर लेग के पीछे और इस चार रन से शुरुआत की है इनिंग्स की। कुल 70 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए, 60 गेंदों से 70 रन। यश लोहिया की बैट से निकलता हुआ यह शानदार चौका, पहली गेंद पर बढ़िया चार। चंकित धानु का है गेंदबाज, ऑफ स्टंप के बाहर उछाल लेती हुई गेंद, पीछा किया था इसका, कट करने की कोशिश, बीट हुए। चंकित धानु का एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। ब्यूटीफुल शॉट, बहुत क्लीन हिट, अप एंड ओवर द सर्कल, ओवर मिड ऑफ फॉर फोर, स्लॉट में गेंद थी और नहीं चुके यश लोहिया, बड़ा ही शानदार स्ट्रोक खेला, कॉन्फिडेंस भरा स्ट्रोक, स्कोर पहुंच गया है 8 रन रेनिगेट्स का, 57 गेंदों से 62 रन चाहिए। काफी अच्छी शुरुआत थी इस ओवर की यश लोहिया, फिर से पोजीशन में नहीं थे लेकिन इसके बावजूद एक शॉर्ट एम जैप खेलने का प्रयास और मिडल ऑफ द बैट ये स्ट्रोक नहीं खेल पाए यश लोहिया। और ये कैच हो जाएगा, एक बड़ा विकेट यहां पर खोया है, यश लोहिया आउट हो चुके हैं, रेनिगेट्स ने खोया है यश को 8 के स्कोर पर, 8-1। बैट्समैन नेम प्लीज, स्वप्निल बगड़िया, स्वप्निल है क्या, ओके स्वप्निल बगड़िया है नए बल्लेबाज। और यश लोहिया जो कि काफी आक्रामक नजर आ रहे थे, दो चौके लगा चुके थे, टॉप एज लगा और एक आसान सा कैच दे बैठे विकेट कीपर को, रेनिगेट्स 8-1, न्यू बैट्समैन इन स्वप्निल बगड़िया। शुभम मालानी दूसरे खिलाड़ी हैं, बीच में इस पर फुलर लेंथी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और इस तरह से पहले ओवर की समाप्ति, रेनिगेट्स 8-1। आशीष आए हैं गेंदबाज, फुल टॉस बनाते हुए खेला इसको, थोड़ी सी मिसफील्डिंग, एक रन हो चुका है और दूसरे की कोशिश और सफल कोशिश, बढ़िया दो रन यहां पर हासिल किया बल्लेबाजों ने, काफी अच्छी रनिंग, 10-1। शुभम मालानी ने अपनी पारी की शुरुआत की है इस दो रन से, स्वप्निल अभी भी आए हैं, अभी भी 60 रन और दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। लोअर फुल टॉस बनाते हुए खेला मिड ऑफ की जानिब और बहुत तेज दौड़ लगाते हुए एक रन पूरा कर लिया, बढ़िया रन शुभम मालानी द्वारा, पहुंचे 3-11। चंकित धानुका ने भले ही पहले ओवर से 8 रन दिए हैं लेकिन बहुत बड़ी विकेट उनके हाथ लगी, यश लोहिया को आउट करने में कामयाब। स्क्वायर लेग की तरफ कैच का शॉट था, थोड़ा सा फंबल हुआ है लेकिन
बहुत ही जल्दी रिकवर करते हुए गेंद पर लपके गेंद को थ्रो किया और दूसरा रन लेने से रोके रखा बल्लेबाजों को। बढ़िया फील्डिंग 13 पर 1। अब स्टंप के काफी ज्यादा बाहर ये गेंद थी यॉर्कर लेंग की और इसको खेलना चाह रहे थे, स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे। बॉटम पर लगी गेंद, कोई रन यहां पर नहीं मिलेगा। दूसरे ओवर का खेल जारी है, रेनगेट्स का स्कोर है 13 पर 1। ऑन साइड में खेलने की कोशिश, एक रन जरूर यहां पर मिला है। फोर्टीन फॉर वन, दो ओवर की समाप्ति, 48 गेंदे 56 रन, यह है इक्वेशन, उतना मुश्किल नहीं है। फिलहाल रन रेट चल रहा है 7 का और इतना ही चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, हर ओवर से 7 रन चाहिए। 48 गेंदे 56 रन, मिड ऑन की तरफ तेज तरार स्ट्रोक और गेंद फील्ड होने से पहले अपने क्रीज में पहुंच गए थे स्ट्राइकर। कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ, एक रन खाते में यहां पर जुड़ता हुआ। 15 पर 1। लेग स्टंप पर गेंद, टप्पा पड़ने के बाद और अंदर की तरफ आई, डिफेंड किया इसको, कोई रन नहीं। चंकित धनुका अपना दूसरा वर्क कर रहे हैं। फुल टॉस बनाते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज में कवर क्षेत्र में खेल दिया 4 रन के लिए। बहुत ही पुअर डिलीवरी में कहूंगा, जिसका भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने, डिस्पैच किया इसको कवर रीजन में, बढ़िया 4 रन। 19 पर 1। ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ गेंद, कट करने की कोशिश, बीट हुए इस पर बल्लेबाज। शुभम 8 और स्वप्न 3 रन बनाकर खेल रहे हैं, टीम का स्कोर है 19। स्टंप्स में गेंद, डिफेंड किया, कोई रन नहीं। और पावर प्ले का ये आखिरी ओवर चल रहा है, ओवर नंबर 3। तेज दौड़ लगानी पड़ेगी, डायरेक्ट हिट अगर होती तो रन आउट हो जाते यहां पर, यकीनन अपने क्रीज से दूर थे। तो अब ओवर नंबर 3 यहां पर खत्म हुआ है, रेनिगेट्स का स्कोर है 20 पर 1। 42 गेंदे 50 रन, यह है इक्वेशन। 42 बॉल्स रिमेनिंग, 50 रन रिक्वायर्ड आफ्टर 3, रेनिगेट्स 24-1। आशीष जिन्होंने अपने पहले ओवर से 6 रन दिए थे, दूसरा ओवर करने की यहां पर तैयारी कर रहे हैं। 42 गेंदों से 50 रन चाहिए रेनिगेट्स को, 9 विकेट्स इंटैक्ट है।
कैच का शाउट था, रन आउट यहां पर हो जाते अगर विकेट कीपर के ग्लव्स में ये गेंद आ भी जाती। डायरेक्ट हिट होती तो कोसो दूर थे बल्लेबाज, लेकिन अगर गेंद ग्लव में आ भी जाती तो शायद यहां पर रन आउट हो जाते बल्लेबाज, काफी दूर थे अपने क्रीज के। गली के दिशा में खेलते हुए रन लेना चाह रहे थे, बहुत तेजी से गेंद गई थी फील्डर के हाथ में, लकी रहे यहां पर बल्लेबाज। 21 for 1 उतना पावर नहीं है पिछले स्ट्रोक में, बिल्कुल रिंग के अंदर ऑन साइड में गेंद गई है और एक रन लेते हुए स्ट्राइक रोटेट करेंगे बल्लेबाज। 22 for 1 फर्म ड्राइव और गेंदबाज यहां पर साफ सुथरे अंदाज में रोक नहीं पाए, गेंद को ओवर थ्रो हो गया, इसका भरपूर फायदा उठाया। और देखिए यहां पर अगर विकेट कीपर डायरेक्ट हिट लगने देते तो भी यहां दिक्कत में पड़ सकते थे बल्लेबाज। प्रेजेंस ऑफ माइंड हमेशा गेम में होना चाहिए खिलाड़ियों को, जरा सी गलती है और मौके खोज देते हैं खिलाड़ी। यॉर्क करने की कोशिश, फुलर लेंथ, रोकने में कामयाब, कोई रन नहीं मिलेगा। स्कोर है 24 for 1, 38 गेंदे 46 रन। शुभम 12 और स्वप्निल 4 रन बनाकर खेल रहे हैं। लेग स्टंप पर गेंद जा रही थी और इसको जगह बनाते हुए खेला ऑफ साइड में, और जहां पर एक रन होना चाहिए था वहां पर हासिल किए बल्लेबाजों ने 2 रन। बिल्कुल रिंग के अंदर यह गेंद थी, इसके बावजूद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद जैसे ही जाती वैसे 2 रन यहां पर हासिल किए बल्लेबाजों ने। 26 रन, 1 विकेट का नुकसान। चौथे ओवर का खेल जारी, आखिरी गेंद होनी चाहिए। 37 गेंदे 44 रन और विकेट कीपर ने, जो खिलाड़ी थोड़े से आगे थे उनको बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर रखा है लॉन्ग ऑन को, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ऑन साइड में 3 खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर। अच्छा ऑन ड्राइव और एक रन यहां पर स्कोर करते हुए स्ट्राइक अपने हाथों में रखेंगे शुभम मालानी। 4 के बाद 27 for 1। रेनिगेट्स ने बनाए हैं 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 36 गेंदों से 43 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट 7.17। 36 गेंदों से 43 रन उतना मुश्किल काम नहीं है और 9 विकेट्स इंटैक्ट है यहां पर। रेनिगेट्स अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है, शुभम काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 13 गेंदों से बहुत उम्दा 15 रन बनाए हैं, स्वप्निल भी अच्छा साथ दे रहे हैं और 19 गेंदों से 19 रन की पार्टनरशिप यहां पर होती हुई, एक अच्छी पार्टनरशिप। जगह बनाते हुए कट किया इसको, डीप पॉइंट क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद, एक ही रन मिल पाएगा 28 for 1। रन नहीं मिलेगा, कवर में अच्छी फील्डिंग। मयंक विजय वर्गीय लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, इस बार कदमों का इस्तेमाल, एक फ्रंट फुट स्लॉग खेलने की कोशिश, उतना जानदार स्ट्रोक नहीं लेकिन एक रन जरूर मिला है। उनतीस पर एक, 33 गेंदे 41 रन।
बोल हो गए। जगह बनाते हुए ऑफ साइड में खेलने की कोशिश, उस तरह की गेंद नहीं थी, काफी ऊपर पिच किया था, इसको आगे पिच किया था और जगह बनाते हुए ऑफ साइड में खेलने की कोशिश। एज लेती हुई गेंद सीधे स्टंप से टकराई, विकेट नंबर 2 खोया है रेनेगेड्स ने। लेदर में रोल लेना, वो कौन सी दुनिया में ये इंटरनेशनल का रोल लेना, वो तो फिर इसको दिया वाला है ना, क्या वो लेग स्पिनर था इंडिया का, मिश्रा, हाँ मिश्रा को दिया वाला है आईपीएल में, हाँ नो बॉल दिया वाला। लॉ में कहीं है क्या? लॉ में सिर्फ वुमेन्स को अलाउड है उनके मतलब हेयर्स की वजह से। बैट्समैन अजित जेटली है, एजे लिखे वाला है, सिर्फ एजे लिखे वाला है, हाँ एजे एजे। रन नहीं मिलेगा, अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। बहुत शानदार गेंदबाजी। स्कोर है 29 रन, 29 पांच ओवर में 29 रन और 2 विकेटों का नुकसान है। जैसे छठे ओवर का खेल शुरू होगा आपके साथ में जुड़ेंगे बिराड़े सर। हर बॉल नो बॉल मांगूंगा फिर। नो का थोड़ी रहता है रे, अगर वाइड अगर स्लीव है या कैप उसको डिस्टर्ब हो रहा है तो वो स्लीव्स में भी आता है वो कंफर्ट, एक कंफर्ट हजार बॉलर ने कैप पहन के डालते हैं वो कंफर्ट का एक बात है, जिसको अगर लगता है कि मैंने मेरे को कंफर्ट नहीं कैप डालते तो निकल के हमें मतलब अगर बैट्समैन को तकलीफ है हां अगर वो कैप की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है घड़ी घड़ी वो कैप गिर रही है बॉलिंग की वक्त नहीं फिर तो डेड बॉल देना पड़ता है नैपकिन हो या कैप हो। सर अगर अगर समझो हवा चालू है ग्राउंड पे हवा चालू है कोई फील्डर है उसकी कैप उड़ के जब बॉल गिर रहा तब पिच के ऊपर आ गई तो वो क्या वो डेड बॉल माना जाता है तो उसको और वो उसके बाजू में ऐसे समझ में आ रहा है तो उसको अंपायर को दे देगा। मतलब जो टेस्ट मैच में रहता अगर शॉर्ट लेग लगाया तो जब तक बॉल गिरता नहीं तब तक खेलना नहीं रहता है उसे। मला माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्यायचं, मी गलत बोललो, त्याला जेवढा एरिया मिळाला खेळण्याकरता कोहलीला त्याचा अर्धा पण नाही मिळालेला। अरे याला कोणी समजून सांगायचं सर नहीं पर वो भी है नहीं नहीं हापन तुम
तुमचा एक पॉइंट पण बरोबर आहे, पण दुसरा पॉइंट त्यावेळेसचे बॉलर, हां त्यावेळेसचे बॉलर आणि यावेळेसचे बॉलर, कमिटमेंट तो है, ताकत देखो, मेंटेलिटी देखो, तब की मेंटेलिटी देखो, तब तो हेलमेट भी पूरा नहीं रहता था। नहीं 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 खुला सगळं शूट सांगून तो सी एस हो पक्का मेरी बात अगर गलत है तो बोलना कि सर तुम सही शब्द कट गया मेरा हर चीज के लिए अभी गॉड फादर लगता है बरोबर होया काम त्याच्या पेक्षा टॅलेंटेड पोर आहेत भरपूर मार्केट मध्ये आहेत सर ऐका ना मार्केट से नंबर खूप झालेला आहे सध्या आज हा मध्ये आला उद्या तो बाहेर गेला परवा तो आला मध्ये पृथ्वीशाह सारखे माणसाला दोन दोनचे मारून सुद्धा मध्ये घेतात मला बोला ना माझा आधार वो पंजाब का प्लेयर है ना बॉलर कोणी बॉलर मोहित रुंबा मोहित रुंबा 28 नंबर क्रमांकाची जर्सी घालून गोलंदाजी करण्याकरता तयार होतोय मोहित रुनवाल. 6व्या षटकाला प्रारंभ करतोय, ज्यावेळेस 29 धावांवर 2 गडी बाद आहेत. आपल्याकरता टार्गेट आहे साधारणपणे तुम्हाला 30 चेंडूत 41 धावा करायच्या, खूप सोपं टार्गेट आहे, पण मात्र याला सोपं करायचं की कठीण हे तुमच्यावर डिपेंड. मोहितचा चेंडूचा कौल पूर्णपणे, बाकी काम एसटी रक्षकांनी केलं. एसटी रक्षक त्या ठिकाणी उत्तम काम करतोय. मयंक विजय वर्गीस वर्गीय समजून सांगितलं जातंय मोहित रुनवालला, कारण गोलंदाजाला जास्त फिकर असते विकेट घेण्याची आणि रन न देण्याची. त्याला विकेट किपर समजून सांगतायत आजचा हा पहिला सामना खूप बाहेर लाईट एज लागलेला आहे, मात्र चेंडू डाऊन झाला आणि तो परत गेला एसटी रक्षकाच्या ताब्यामध्ये. उत्तम उत्तम सामने आपण काल 9 पाहिले, हा सामना क्रमांक 10 या स्पर्धेत एकूण 40 सामने व्हायचे आहेत. हलक्या हाताने मारायचा प्रयत्न केला, वाह याला धाव काढणं म्हणतात दोघांमधलं अंडरस्टँडिंग. लेग बाय के मेरे घर की दीवार गिरने का बहाना क्या हुआ, लोगों ने उसका शॉर्टकट बना दिया, थोड़ी सी गलती हो गई यहां पर, नतीजा आपको एक रन यहां पर नुकसान भर कर देना पड़ा सामने की टीम का. और मोहित रुनवाल अच्छी गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं. मोहित ने जिस तरह से गेंदबाजी की है सराहनीय गेंदबाजी की है. 27 में 40 बनाना है, लक्ष्य आसान है लेकिन इतना भी आसान नहीं, इसे क्रिकेट कहते हैं. लेफ्ट हैंड बैट्समैन आदित्य जेतलिया कदम बाहर निकाले फिर वापस खींचने पड़े. आदित्य ने अब तक 3 गेंदे खेली, एक रन नहीं बना पाए अब तक. ये शानदार ओवर चल रहा है, मोहित की तारीफ करनी होगी, कोई रन नहीं दिया बल्ले से. बढ़िया गेंद, गेंद गिरने के बाद में ऑफ स्टिक के बाहर निकली है. आज का यह सबसे अच्छा ओवर कहा जाएगा. अगर इसके बाद की गेंद डेड, कोई बिना रन बनाए गिरता है, डॉट बॉल अगर गिरता है तो मोहित फिर से एक बार तैयार हो रहे हैं. सीए है, मोहित की तारीफ हो रही है, सराहना हो रही है और मोटिवेट किया जा रहा है मोहित को. वाह मेडन ओवर नहीं, एक लेग बाय मिला है, काफी शानदार ओवर रहा है यहाँ पर मोहित रुनवाल का. एक ओवर में एक रन दिया है केवल, और जब छठी ओवर में इस तरह से गेंदबाजी होती है मतलब यह होता है कि यहां से प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है.
पाणी आहे का सर तुझं? कोणाला पाणी पाहिजे? तुला पाहिजे का? यांनी आपल्या काल दिवसभर पाणी दिलं नाही, आम्ही बाटल्या समोर सांगितलं आपल्याच बरं आणायला. तर नाश्ता पण आहे ना, इतके बोगस ब्रेड आहेत त्याचे कालचे शिवाय वेळ काय का सांगावं लागेल मग. काल जेवण नाही दिलं आम्हाला, विना खाण्याकडे बैठक दिलं गलत की आपण त्यांची अपेक्षा नाही करत. बॉलर कोण आहे? या दरम्यान एकदा वागदी सहज जमा झालेली कबरच्या दिशेनं सी एस स्वप्निल बगाड़िया और आदित्य जेतलिया के दरम्यान यहां पर एक साझेदारी बननी चाहिए. अब इनकी साझेदारी कितनी बनी है ये आप जानकर बड़े हैरान हो जाएंगे. 9 गेंदों में केवल 2 रन आए हैं. इसका सारा श्रेय जाएगा गेंदबाज मोहित रुनवाल को. मयंक अपने ग्लोव्स अपने दस्ताने उतार कर गेंदबाजी के लिए आए हैं. सामने आदित्य जेतलिया और यहां पर शायद क्लीन बोल्ड हो गया है. नवीन फलंदाज येत आहेत ते शुभम सोमाणी आणि मयंक विजय वर्गीसने उत्तम चेंडू टाकून केवळ 3 धावा देत त्यांनी 2 गडी बाद केलेले. तो आपल्या संघातला कर्तृत्ववान खेळाडू म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाही. एसटी रक्षक आणि फलंदाजी आणि गोलंदाजी या सगळ्यामध्ये आपली चुणूक दाखवतोय. मयंक बढ़िया गेंद थी यहां पर विकेट कीपर से गलती हो गई. सीएस अपनी बगाड़िया कवर्स की दिशा में खेली गई गेंद वापस आएगी और यहां इस तरह से खेल अपने चरम सीमा पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है. अप्रतिम खेल बघायला मिळतो आपल्याला. 32 मध्ये 3 गडी बाद आणि 7वं षटक पूर्ण होते. मयंकच्या माध्यमातून हलक्या हाताने खेळलेला चेंडू इथे मात्र थोडस इक्वलेशन बदलत जाताना दिसते कारण चेंडू शिल्लक आहेत ते 19 आणि धावा पाहिजे 37. रिक्वायर रन रेट साधारणपणे 12 तयार झालेला आहे. याच्यातनं बाहेर पडण्याकरता आपल्याला फटकेबाजी करणं गरजेचं. एक चांगला चेंडू अप्रतिम आणि याबरोबरच मयंक विजय वर्गीयांनी 2 षटक टाकलीत, केवळ 5 धावा दिल्यात आणि 2 गडी बाद केलेले आहेत. आठव्या षटकाला कोणाला गोलंदाजी देत आहेत बघूया. अभिजित पाटणीला बोलवलं गेलंय. अभिजित पाटणीकडे क्षमता आहे उत्तम गोलंदाजीची.
इथे 18 चेंडू शिल्लक 37 धावा करायचे आहेत, 18 × 36 म्हणजे 12.33 पर ओव्हर, अशा पद्धतीने आपल्याला धावा करणं गरजेचं आहे आज. अभिजित पाटणी क्रिस गेलचा आदर्श असावा कदाचित, कारण त्याने 333 नंबरची जर्सी परिधान केलेली आहे. आणि अभिजित गोलंदाजी टाकतोय तो स्वप्नील बगाडियाला. 13 चेंडूत 7 धावा काढून खेळत आहेत, तर 3 चेंडूत 1 धाव फक्त शुभम सोमाणी यांच्या खात्यावर जमा. अभिजितचा हा चेंडू क्रिसच्या अगदी कोपऱ्यावर ना, आणि हा चेंडू सरळ येतोय, तो उचलला गेला परत जाईपर्यंत. केवळ 2 धावा जमा केल्यात या ठिकाणी फलंदाजांनी, आणि या 2 धावांनी धावसंख्या थोडी रीच होताना दिसते. अभिजित 8व्या षटकातला पुढचा चेंडू घेऊन तयार होतो. यानंतर केवळ 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक असेल, 17 चेंडू बाकी आहे. त्यांनी ढकलण्याचा प्रयत्न केला, पण मात्र सीए स्वप्नील बगाडी यांना चेंडू ढकलता आला नाही. अभिजित पाटणी योग्य पद्धतीने मारा करताना आपल्याला दिसत आहेत. रम्य पहाटे सुरू झालेलं हे क्रिकेट रात्री 11:30 ते 12 वाजेपर्यंत चालतात. वेळेचं भान नसणारा खेळ सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत तळकवलेला चेंडू. केवळ 1 धाव मिळाली पाहिजे, आणि हो, एकाच धावेकरता स्वप्नील बगाडी आलेले. शुभम कडे मात्र स्फोटक फलंदाजी करण्याची क्षमता आहे, आणि त्याच्याकडून अपेक्षा असेल त्याच्या संघाला. अभिजितला प्रत्येक जण मोटिवेट करते. या षटकाचे काही चेंडू शिल्लक. एक चांगला फटका, एक की दोन बघूया. दुसऱ्या करता धावलेत आणि हे धोकेदायक होऊ शकतं. ओ, इतका सुंदर चाललेला प्रवास थोडा कठीण होताना दिसतोय. आणि या ठिकाणी, या ज्या ठिकाणी केवळ 1 धाव पाहिजे तिथे 2 धावा जास्तीचे येताना दिसत आहेत. हवेतनं चेंडू येतोय क्षेत्ररक्षक खाली, आणि हा झेल पाहिजे होता पण झाला नाही कन्वर्ट. काही हरकत नाही, चेंडू सीमारेषा ओलांडून नको जायला हे त्यांचं ध्येय असणार आहे, आणि तो प्रकार त्या ठिकाणी ते करताना दिसत आहेत. अभिजित थोडा नाराज असेल, कारण त्याला कन्वर्ट व्हायला पाहिजे होता हा झेल, अशी एकंदरीत त्याची इच्छा असावी. आपल्या षटकाचा शेवटचा चेंडू घेऊन अभिजित शुभम करता. हवे चेंडू विकेट किपर खाली, आणि इथं विकेट जाताना दिसते आपल्याला. चौथा गडी बाद होतोय 8व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर. एकूण धाव संख्या 40, 4 गडी बाद. बारा चेंडू 30 धावा पाहिजे. अफ्रोज आला, अफ्रोज हा बॉलिंगला
यस पॉवर प्ले 90 षटक आहे आणि हे फलंदाजी करता पॉवर प्ले आहे. केवळ दोन खेळाडू हे 30 यार्डच्या बाहेर, बाकीच्यांना आत उभं राहिलं जाईल. मोहित रुनवाल उत्तम गोलंदाजी करणारा हा गोलंदाज याला पुन्हा आमंत्रित करण्यात आलेले ते पॉवर ओव्हर करता. अफरोज एक धुवाधार फलंदाज म्हणून परिचित आहे आणि जर आता त्याला स्ट्राईक मिळाली तर निश्चितच त्याचं तो सोनं करेल यात शंका नाही. समजा टेस्ट मॅच चालू आहे तर रेड शूज अलाउड नसता ना बॉलरला, बॉलरला तो हां बॉलरला कसा अलाउड आहे त्याच्याकडे बॉल आहे झाला. हां पण शक्यतो कोणी वापरत नाही व्हाईट शूज. हवेतनं चेंडू प्रवास करतोय अगदी सहज झेल आणि हा एक मोठा धोका होताना दिसतोय. स्वप्नील बगाडी आउट, 17 चेंडूत 11 धावा काढून स्वप्नील बगाडिया जात आहेत, त्यावेळेस स्कोर 40. जांगीळ आलेले हवेत ना चेंडू योगायोग दोन्ही फलंदाजांना अजून आपलं खातं उघडणं बाकी आहे. हा चेंडू आतल्या बाजूला वळणारा चांगला चेंडू धावून गेले, गफलत झाली अन्यथा यात नुकसान भरपाई करून द्यावी लागली असती. आपल्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला स्क्रीनवर सुद्धा आपण सामन्याचा आनंद घेऊ शकता. आणि सगळ्यांना मोहित केलेले ते मोहित रुनवालने, कारण त्यांनी 1.2 षटकात केवळ एक धाव देत एक गडी बाद केलेला आहे. परत एकदा योग्य ठिकाणी चेंडू, इथे मात्र सामन्यावरची पकड जाताना दिसते ती फलंदाजी करणाऱ्या संघाची. पण क्रिकेट हा न संपणारा खेळ आहे, कधी कुठला खेळाडू काय किमया करून जाईल काही सांगता येत नाही. 9-30 इक्वेलेशन आपल्याला सांगतोय. वा इथे मात्र मोहित रुनवाल आज सगळ्यांना आपल्या गोलंदाजीने मोहित करताना दिसतोय. जर आज पेट्रियॉट संघाचा जर विजय झाला तर त्याचा खरा शिल्पकार तो मोहित होईल. अनेक चेंडू त्यांनी डॉट टाकलेत. दोन्ही फलंदाज एकमेकाशी चर्चा करतायत की आपलं काय चुकतंय. त्यांचं चुकणं आणि त्यांच्या तंबूतली स्तब्धता यांचा ताळमेळ बसताना दिसतोय. सगळे बाहेरून उभे राहून सांगतायत की काय होतंय आतल्या बाजूला. राम मिलन आता मात्र मोहितचं करावं तेवढं कौतुक कमी. सुरेख आणि सुंदर मारा त्यांनी मात्र या सामन्यातली हवा काढून टाकलेली होती पॅट्रियॉट संघाकडनं गोलंदाजी करताना रेंगाट संघाची. राम मिलनना 4 चेंडूचा एकही चेंडू खेळता आला नाही आणि मोहित आपला शेवटचा चेंडू घेऊन आणि या ठिकाणी त्यांनी क्लीन बोल्ड केला. यात टाळ्या वाजल्या पाहिजेत त्या मोहित रुनवाल करता, कारण त्यांनी पॉवर ओव्हर मेडन टाकलेलं आहे. एक गडी बाद पॉवर ओव्हर मेडन आणि ही किमया
तो कदाचित सीझन 14 मध्ये करणारा पहिला खेळाडू असावा. नव षटक डेथ ओव्हर म्हटलं जातं, त्यात त्यांनी एका खेळाडूला परत पाठवलं आणि एकही धाव न देता षटक पूर्ण केलं. निर्धाव षटक, दोन षटक या स्पर्धेतला 2023 चा सीझन 14 सगळ्यात उत्तम गोलंदाज मोहित रुनवाल, दोन षटक, दोन मेडल आणि दोन गडी बाद. अफरोज ज्या वेळेस फलंदाजी करण्याकरता येतोय तेव्हा मी आपल्याला सांगू इच्छितो की 6 चेंडू 30 धावा पाहिजेत. फाईन लेगला जाणार चेंडू, सहा 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6 5 5 6 6
क्रिकेटच्या परिभाषेमधले जे सिग्नल आहेत त्याच्यात षटकार, चौकार, सिंगल, दुहेरी आणि तिहेरी धावा यांचाच फक्त मिलाफ. आत येणारा चेंडू स्वतःच्या गोलंदाजीवर, एक आणि दोन धावांनी फरक पडत नाही. चार चेंडू मध्ये 28 धावा पाहिजे जिंकण्याकरता. प्रत्येक चेंडूवर षटकार जरी लगावला तरी या धावा पूर्ण होणार नाहीत एकंदरीत. एक चांगला स्ट्रोक, केवळ दोन धावा मिळतील. दोन धावांनी फरक पडत नाही त्यांना. सीए मोहित रुणवाल आजच्या सामन्याचे शिल्पकार आहेत त्यांच्या संघाकरता. आणि गोलंदाजी टाकतायत अभिजित पाटणे, त्यांनी सुद्धा सुंदर गोलंदाजी केली. 1.2 मध्ये केवळ 9 धावा देत 11 धावा देत एक गडी बाद केलाय त्यांनी. चेंडू शिल्लक 2, धावा पाहिजेत 24. दोन मध्ये 24. अप्रतिम सामना अभिजित पाटणीचा करावा तेवढं कौतुक कमी. क्रिस गेलचा टी शर्ट घातलाय त्यांनी 333 क्रमांकाचा. हा चेंडू हवेतनं प्रवास करतो. या ठिकाणी केवळ दोन धावा अपेक्षित आहेत आणि हो, दुसऱ्या धावेला धावलेत आणि गडीबाद. त्यांना क्रॅम्प आला धावत असताना. सीए मोहित परत जात आहेत. थ्रो मारणारे कोण होते ते? एक चेंडू शिल्लक आहे आणि अभिजित पाटणी पॅट्रियॉट संघाकडनं. हवे चेंडू दोघांच्या मधनं खेळला जातोय. आणि याबरोबर हा सामना जेव्हा संपतोय त्यावेळेस हा सामना जवळपास पॅट्रियॉट संघाने 20 धावांनी हा सामना जिंकलाय. आणि लगेचच मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल. मी सन्माननीय अग्रवाल साहेब आणि माननीय चेअरमन या वर्षाचे यांना विनंती करतो की आपण मॅन ऑफ द मॅच देऊया. जिंकणाऱ्या संघाला विनंती, कृपया आपण इकडे यावं मॅन ऑफ द मॅच करता. सर चला, कोणाचं क्षेत्ररक्षण आहे त्यांनी लवकर मैदानात या. सीएम मयंक मॅन ऑफ द मॅच.
सीए मयंक विजय वर्गीस सर इकडे या आणि आपल्या सोबत मयंक आपल्याला विनंती कृपया आपण मॅन ऑफ द मॅच पुरस्काराकरता इकडे यावं. मयंक तिकडे जाऊ नका, इकडे या आधी. आणि विद्यार्थ्यांमधनं जातोय प्राइस. बर सर जी जा सकते आप. मयंक जी आपके साथ तरुण पगारिया भी है, स्टूडेंट बेस्ट स्टूडेंट, इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा. थैंक यू, धन्यवाद. मयंक जी आ जाइए. तरुण पगारिया, तरुण पगारिया प्लीज कम या. तरुण पगारिया हरिकेन्स कॅप्टन सर, तुम्ही टॉस कोणी जिंकला होता? त्यांनी जिंकलेला. ओके ठीक. सीए ऑफ द मैच मयंक, बहुत खूबसूरत आपने काम किया है. आपने गेंदबाजी, बल्लेबाजी और साथ ही साथ विकेट कीपिंग की है. और स्टूडेंट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट का पुरस्कार जाता है तरुण, तरुण पगारिया. बढ़िया सर. बैटिंग करना रहा साइड मधन एक जन पाठवाना प्लीज, कोणाला तरी. सर आपला एक प्लेयर पाठवाना प्लीज. रोहन जी हमारी आवाज आ रही है आप तक? रोहन जी प्लीज भेजिए ना किसी को जी. धन्यवाद. इब्राहिम सर कहाँ है? और पहली गेंद पर क्या शानदार स्ट्रोक खेला है
बाउंड्री लाइन के करीब बहुत शानदार फील्डिंग है और ऐसे लग रहा था कि मानो ये सडन बाउंड्री है, लेकिन बहुत ही शानदार फील्डिंग बाउंड्री लाइन पर। चार्टर्ड रेंजर्स ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हरिकेन्स और रेंजर्स के बीच में यह मुकाबला। अभिनव और शैलेश की जोड़ी मैदान में, दीपक सेठी अपना पहला ओवर कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, इसको मोड़ा है स्क्वायर लेग की जानिब और अंपायर के बहुत ही करीब यह गेंद गई है। एक रन का मौका, कुल स्कोर 3 रन। शैलेश 3 और अभिनव पहली दफा सामना करेंगे। एक लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन यहां पर बना है बल्लेबाजी में, ये थोड़ा सा दिक्कत पेश करेगा फील्डिंग साइड के लिए और दीपक सेठी के लिए भी ये चैलेंज होगा। और इस बार मौका नहीं दिया कोई स्ट्रोक खेलने का अभिनव को। शैलेश बेदमुथा और अभिनव शर्मा की जोड़ी। मोड़ा इसको और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, फाइन लेग क्षेत्र में खेला गया शानदार ये स्ट्रोक और 4 रन। बढ़िया गेंद और अपने आप को अलग करना चाह रहे थे अंतिम समय में। कट किया इसको, अंडर एज स्लिप कॉर्डन से गेंद निकली, एक रन का मौका बना और इस तरह से अब पहले ओवर का खेल खत्म हुआ है। रेंजर्स ने बनाए हैं 8 रन बिना किसी नुकसान के। शैलेश 3 और अभिनव 5 रन बनाकर खेल रहे हैं। नितिन पटेल करारा प्रहार, बढ़िया स्ट्रोक मिड विकेट की तरफ, पुल किया इसको खूबसूरत अंदाज में 4 रन के लिए। बड़ा ही शानदार स्ट्रोक था, जैसे देखा कि पटकी भी गेंद है, पोजीशन में बहुत क्विक आए, पुल किया इसको बहुत ही लाजवाब अंदाज, 4 रन हासिल किए हैं अभिनव ने। Edged and gone, very well caught behind. Catch is mein liya Deepak Sethi, wicket keeper. Deepak Sethi, haan wicket keeper. Kon aa raha hai? Dhananjay. Jo bari khelne mein se udhar yaad hi dekho Bhimpur guard 12 par 1। अभिनव शर्मा यहां पर आउट हो चुके हैं। एक स्लॉग खेलने के इरादे से बैट जरूर घुमाया था लेकिन एज लेती हुई गेंद गई विकेटकीपर के ग्लव में, काफी शानदार कैच लिया है अपनी राइट ओर। तो इस तरह से नितिन पटेल को मिलती हुई सफलता अपने पहले ही ओवर में। रेंजर्स 12-1।
धनंजय आए हैं नए बल्लेबाज फिर से। इस बार गेंद को मोड़ा है ऑन साइड में सर्कल के अंदर, एक रन का मौका बना। तेरा पर एक, दूसरे ओवर का खेल जारी है। हल्के से गेंद को पुश किया है, बहुत हल्के से ऑफ साइड में कवर पॉइंट क्षेत्र में, एक रन लेते हुए स्ट्राइक रोटेट किया है बल्लेबाज ने। स्कोर 14 रन, शैलेश अब 4 रन पर पहुंच गए हैं। धनंजय जो कि अभी अभी आए हैं, एक रन बनाकर खेल रहे हैं। फुल टॉस बनाते हुए मिड ऑफ की तरफ खेला, काफी दूर निकलकर रन की कोशिश में, ऑलमोस्ट आधी पिच क्रॉस कर चुके थे और यहां पर अपने कदमों को वापस लेना पड़ा, क्रीज में पहुंचना पड़ा क्योंकि नॉन स्ट्राइकर रेडी नहीं थे। इस बार बैट का फेस ओपन किया, गाइड किया था इसको थर्ड मैन क्षेत्र में निकालना चाहते थे लेकिन वहां पर फील्ड की गई गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से अब दो ओवर का खेल खत्म हो चुका है। चार्टर्ड रेंजर्स ने बनाए हैं 14 रन एक विकेट के नुकसान पर। स्टंप्स पूरे एक्सपोज कर दिए थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकलकर इसको ऑन साइड में स्लॉ खेलने की कोशिश में पूरी तरह से बीट हुए बैट्समैन। स्कोर रुका हुआ 14 रन। इस बार फुल टॉस बनाते हुए खेला, गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे पकड़े जाएंगे, जी नहीं और कैच छूट गया। ऐसे लग रहा था कि ऑलमोस्ट कैच कर लिए गए हो बल्लेबाज, लेकिन कैच अंतिम समय में हाथों से फिसला और एक मौका मिला है बल्लेबाज को। 15 पर एक। सुनील बागेले है गेंदबाज, अपना पहला वर्क कर रहे हैं। अच्छी गेंद थी ये, मोड़ दिया इसको जगह बनाते हुए बहुत खूबसूरत अंदाज में, लॉन्ग क्षेत्र से गेंद गई है। ऐसे लग रहा है कि शायद ये वन बाउंस हो, जी हाँ वन बाउंस बाउंड्री के बाहर गई है गेंद। 4 रन के लिए कुल स्कोर अब हो गया है रेंजर्स का 19 पर एक। फिर से उसी तरह का स्ट्रोक, फिर से वही रिजल्ट, 4 रन। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खेला गया इस बार का ये स्ट्रोक और दो गेंदों पर दो चौके लगा चुके हैं धनंजय। कुल स्कोर 23 रन, 23 for 1, और बहुत ही तेजी से 9 के स्कोर पर पहुंच गए धनंजय। 5 गेंदों का सामना करते हुए दो चौके लगाए हैं, स्ट्राइक रेट है 180 का। ओवर नंबर 3 प्रगति पर है।
टाइम नहीं कर पाए इसको। बॉटम पर लगी गेंद, फॉलो थ्रू में खुद गेंद को रोका गया, कोई रन यहां पर नहीं मिलेगा। 23 for 1। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेलना चाहते थे, पूरी तरह से मिस कर गए, प्ले एंड मिस। तीन ओवर की समाप्ति, रेंजर्स 23 for 1। और हाँ एक मिनट, और डायरेक्ट हिट अगर हो जाती तो बहुत ही कैजुअल अप्रोच वहां पर नजर आया बल्लेबाज का। दो रन यहां पर मिले हैं। बहुत अच्छा शॉट, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई है, चार रन। अच्छा स्ट्राइक, गेंद के पीस तक पहुंचे, लॉफ्टेड ड्राइव और बढ़िया चार रन यहां पर हासिल किए हैं। शैलेश बिदमुता पहुंच गया 11 पर, टीम का स्कोर 29 for 1। चौथे ओवर का खेल जारी है, 12 गेंदों से 17 की पार्टनरशिप। स्लॉग खेलना चाह रहे थे, स्लॉग स्वीप बीट वेस पर। और इस बार भी फुल टॉस बनाते हुए स्वीप करने का प्रयास, गेंद बैट पर जरूर लगी, बॉटम पर और गेंद वहीं लुढ़क गई, कोई रन यहां पर नहीं मिलेगा। सौरभ कुलकर्णी अपना पहला ओवर कर रहे हैं, सुनील बाघेल ने अपने पहले ओवर से कंसीड किए थे 9 रन और सौरभ कुलकर्णी अपना पहला ओवर कर रहे हैं, अब तक 6 रन आ चुके हैं। फिर से यहां पर कोई रन नहीं मिलेगा। तीन गेंदे डॉट करा चुके हैं सौरभ कुलकर्णी, स्कोर इस समय है 29 for 1। इस बार कनेक्शन अच्छा हुआ है, लेकिन बाउंड्री लाइन पर बिल्कुल रोप्स के रोप के करीब खड़े हैं मिड विकेट पर खिलाड़ी, और एक ही रन मिल पाएगा। 4 के बाद रेंजर्स 30 for 1। चार के बाद 30।
काफी दूर निकल गए थे, लेग स्टंप के बहुत दूर चले गए थे, ऑफ साइड में खेलने की कोशिश, उछाल था इस गेंद में, कट करने का प्रयास, बीट हुए बैट्समैन दीपक सेठी, अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं और ये ओवर नंबर 5। ये करारा प्रहार है लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, बहुत अच्छा स्ट्रोक था लेकिन काफी लंबी बाउंड्री है, ऑन साइड में मिड विकेट पर, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए, और थोड़ा सा इसमें पावर होता तो 6 रन के लिए गेंद जाती। दूसरा विकेट रेंजर्स ने खोया है 30 for 2। बैट्समैन आए हैं स्वप्निल, स्वप्निल मुंदड़ा, और क्या यहाँ पर दूसरे की तलाश होगी? जी नहीं, एक ही रन से खुश है बल्लेबाज और अपनी पारी की शुरुआत की है स्वप्निल मुंदड़ा इस एक रन से 31 for 2। धनंजय 9 रन बनाकर खेल रहे हैं। दीपक सेठी एक विकेट ले चुके हैं, अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं, अब तक 9 रन को लाए हैं 1.3 ओवर से, रन रेट चल रहा है 6.89 का। सिर्फ गाइड किया इसको गली क्षेत्र से, एक रन हासिल करते हुए बल्लेबाज 32 for 2। सौरभ कुलकर्णी ने अपने पहले ओवर से दिए थे 7 रन और देखना है कि स्वप्निल और धनंजय की जोड़ी किस तरह से आगे बल्लेबाजी करते हैं, किस तरह से रन से जोड़ते हैं। काफी अच्छे खिलाड़ी हैं स्वप्निल मुंदड़ा। शॉट और सीधे खिलाड़ी के हाथ में कवर्स में, बहुत अच्छा स्ट्रोक था लेकिन फील्डर को पाया कवर्स में और ये बिलीव नहीं कर रहे स्वप्निल की इस तरह का कैच हो सकता है। इतना शानदार स्ट्रोक खेला था लेकिन सीधे खिलाड़ी के हाथ में और एक विकेट का पतन होता हुआ रेंजर्स के लिए 32 for 3। स्वप्निल मुंदड़ा इज गॉन। तो इस तरह से एक भारी नुकसान यहां पर हुआ है स्वप्निल मुंदड़ा, जो जिन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रोक एक लगाया था सीधे फील्डर के हाथ में, हिलने का भी वहां पर तकलीफ या जहमत उठानी नहीं पड़ी खिलाड़ी को और एक अच्छा कैच लपका है पंकज चवानी ने, बहुत शानदार कैच लिया अक्षय सोनो ने, नए बल्लेबाज आए हैं, अच्छा खेले इसको फ्रंट फुट डिफेंस, एज लेती हुई गेंद गई गली क्षेत्र से और इस तरह से 5 ओवर का खेल हो चुका है। रेंजर्स का स्कोर है 33 for 3, 33 for 3 आफ्टर 5। और जैसे ही छठे ओवर का खेल शुरू होगा बिराड़े सर आपके साथ में जुड़ने जा रहे हैं।
सर समय का थोड़ा सा ध्यान रखें, थैंक यू, धन्यवाद। नहीं आप चलाइए ना आपके हिसाब से। धन्यवाद। या ठिकाणी माझ्याकडे माईक सईद इब्राहिमने ज्यावेळेस सोपवला तेव्हा 5 षटकांच्या समाप्तीवर 33 धावा 3 गडी बाद आहेत। सीए धनंजय आपण 8 चेंडूत 2 चौकाराच्या सहाय्याने 10 धावा काढून खेळत आहेत, तर अक्षय सोनवणे मात्र एका चेंडूत 1 धाव काढून खेळत आहेत। सीए दीपक सेठी आपण 2 षटकं टाकलीत, 11 धावा देताना 2 गडी बाद केलेत, आणि सीए शुभम आपण 1 धाव देताना 1 ओव्हर मध्ये आपण 7 धावा दिलेल्या आहेत आणि गोलंदाजी करण्याकरता येत आहेत नवीन गोलंदाज मोसिन पटेल। सात क्रमांकाची जर्सी परिधान केलेला खेळाडू मोसिन। अक्षय सोनवणे करता चांगला चेंडू, मोसिन उत्तम चेंडू टाकला। मोसिन त्याला हवा असलेलं शतरक्षण लावून घेताना दिसतोय आपल्याला आणि मोसिनचा हा चेंडू पुन्हा हवेतना आहे, शतरक्षक खाली झेल या ठिकाणी खाली सांडला, अन्यथा एक गडी बाद होता। मोसिन थोडा नाराज असेल कारण त्याच्या या षटकात त्याला विकेट मिळाली होती पण मात्र ती कन्वर्ट करता आली नाही, त्यांच्या हातून झेल सुटला। कॅचेस विन द मॅचेस म्हटलं जातं। साधारणपणे आपण या 9 षटकांमध्ये 90 ते 110 धावा आपला स्कोर असला पाहिजे तर तो चांगला स्कोर म्हटला जातोय। इथे मात्र ज्या जलद गतीने चेंडू पकडून फेकायला पाहिजे होता तसं फेकता आलेलं नाहीये, पण सगळेच सीए प्रचंड तंदुरुस्त, फिटनेस उत्तम आहे। आज उन्हानी मात्र वेग घेतलेला आहे आणि टेम्परेचर आपल्याला खूप वाढलेलं दिसतंय। मोसिनचा ऑफस्टिक वरचा चेंडू होता, शतरक्षक घेत आहेत, चेंडू उचलून परत जाईपर्यंत 2 धावा अगदी सहज होतील। टॅप केलेला चेंडू सीमारेषेकडे जातोय, वाकले त्या ठिकाणी चेंडू उचलला परतीच्या मार्गाला पण मात्र परत, अन्यथा धोका। मोसिनी या षटकात आतापर्यंत 5 चेंडूत केवळ 5 धावा दिलेले आहेत। चांगला चेंडू, अप्रतिम चेंडू, अपील पण मात्र पंचांना त्याचा काही परिणाम नाही आणि याबरोबरच मोसिनचं षटक संपतंय। एका षटकात त्यांनी केवळ 5 धावा दिलेल्या आहेत, एक झेल सुटलेला आहे त्याच्या गोलंदाजीवर आणि जेव्हा इथं 6 षटकांचा खेळ संपतोय तेव्हा 1 धावसंख्या 38 गडी बाद।
कॅचेस विन द मॅचेस म्हटलं जात आणि जेव्हा तुम्हाला अगदी सहज येणारे कॅचेस कन्वर्ट करता येत नसतील तेव्हा मात्र आपलं क्रिकेट हे आपल्यापासून दूर जातंय असं म्हटलं तरी काही वावग ठरणार नाही. दीपेश अगदी क्रिचच्या कोपऱ्यावर टाकलेला चेंडू आणि आउट. एक चांगला थ्रो, अप्रतिम थ्रो मोसिनच्या माध्यमातून आणि या ठिकाणी त्यांनी क्लीन पद्धतीने अगदी एक स्टंप दिसत असताना क्लीन थ्रो केला आणि फलंदाज बाद झाला. तो धनंजय बाद झाले, त्यांनी दोन चौकार काढलेले होते आणि एकूण धावा होत्या त्यांच्या 11. दीपेश कडक स्ट्रोक आणि हा या ठिकाणी त्यांनी झेल जरी नाही कन्वर्ट केला पण मात्र चेंडू अडवला असता तर कदाचित या धावा तो वाचू शकला असता पण तसं घडलं नाही आणि हा स्ट्रोक मात्र सामन्याला वळण देणारा ठरू शकतो. दीपेश काट तिथे नाही तर इथे आणि दीपेशला मिळालेली विकेट. चार गडी बाद, माफ करा पाच गडी बाद झालेले एकूण आणि 6.4 षटक संपलेली. चार्टर रेंजर्सला इथून सवर्ण मात्र थोडं कठीण दिसतंय. सन्मान दिला चेंडूला आणि या सन्मानाच्या माध्यमातून धाव मात्र काही मिळत नाहीये. दीपेश एक षटक आतापर्यंत 7 धावा दिल्यात. क्रिच्या अगदी कोपऱ्यानं काही काळ हवेत असलेला चेंडू चेंडू जातोय सीमारेषेकडे. उचलून परत जाईपर्यंत 2 धाव निश्चित मिळतील आणि एकूण धाव संख्या या ठिकाणी होते ती 47. 5 गडी बाद. यानंतर 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. त्यात आपल्याला साधारण किती धावा होतील हे पाहणं खूप गमतीशीर आणि मजेशीर असेल. 8व्या षटकाला प्रारंभ करण्याकरता 13 नंबरचा नितीन पटेलच्या हातात चेंडू सोपवला जातोय. दीपेच्या जागेवर नितीन आलेला आहे. याआधी त्यांनी एक षटक टाकलं, 6 धावा देत एक गडी बाद केलेला होता आणि सीए नितीन पटेल गोलंदाजी करतायत. कडक स्ट्रोक लॉंग ऑफवर न चेंडू परत जातोय तोपर्यंत केवळ एक धाव. नितीन पटेल पुन्हा गोलंदाजीच्या मार्गावर मार्गक्रमण करतायत. कॉमेंट्री बॉक्स एंडने आणि समोर फलंदाज उभे आहेत सध्या अक्षय सोनवणे, वरुण खडके
49 loss of 5 wicket. हा चेंडू वाईट पंचांचा इशारा. यस आजच्या सत्रातला दुसरा सामना आपण पाहत आहोत. एक चांगला चेंडू उसळी घेतली कमरेपर्यंत गेला फलंदाज समजू शकला नाही आणि बाकी काम पूर्ण केलं ते एसटी रक्षकाने. पावलांमध्ये समन्वय नव्हता आणि हा समन्वय नसल्यामुळे त्यांनी तो चेंडू टाकण्यास नकार दिला. पुन्हा एकदा गोलंदाजीच्या मार्गावर येत आहेत नितीन पटेल. फुल टॉस दुसरी धाव सांगतायत मना केलं त्यांनी कारण धोकेदायक होऊ शकलं असतं. इथून खरी धावांची गरज आहे संघाला आणि तिथून मात्र धावा उभ्या कशा होत आहेत याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलेलं आहे. 51 पाच गडी बाद आणि 8व्या षटकाचा पुढचा चेंडू घेऊन तयार. या षटकानंतर केवळ 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक असेल. परत फुल टॉस त्याला शिक्षा. ओ झेल गेलेला इथं आणि मोसिनच्या हातामध्ये हा झेल विसावला आणि फलंदाज वरुण खडकेंना मात्र माघारी जावं लागतंय. बघूया त्यांची जागा भरून काढण्याकरता कुठला खेळाडू येतोय. ज्यावेळेस एकूण 6 गडी बाद झालेले आहेत. एक चांगला चेंडू अप्रतिम अपील आहे थोडस हलकस अपील आणि याबरोबर 8 षटकांचा खेळ संपतोय तेव्हा एकूण धावसंख्या होते ती 51 धावा 6 गडी बाद आणि इथून मात्र या ज्या 12 चेंडू आहेत यांचं समीकरण कसं असेल हे पाहणं खूप महत्वाचं. अक्षय सोनवणे क्रीजवर टिकून आहेत. कुंदन पाटील आहेत आणि अगदी स्क्वेअर लेग वरन चेंडू हा सीमारेषा बाहेर पाडवल्या 4 धावांकरता आणि हा खणखणीत चौकार. या चौकाराच्या सहाय्याने एकूण धावसंख्या होते 55 6 गडी बाद आणि 9व्या षटकाचा प्रारंभ झालेला. पहिल्या चेंडूचा समाचार घेताना त्यांनी त्याला सीमा दाखवली ती 4 धावांची.
फुल टॉस परत त्या जागेवर परत तशाच पद्धतीचा एक अजून चौकार स्क्वेअर लेग वरन आणि थोडी चूक काय असू शकते मोसिन पटेलला या ठिकाणी लगातार चौकार लगावले जात आहेत आणि धावसंख्या उसळून ती 60 वर जाऊन पोहोचलेली वा इथे मात्र चकवण्यात यशस्वी 90 षटक चाललेलं आहे दोन चौकार जरी आले तरी मात्र गोलंदाज हा सावरू शकतो मोसिन पटेल स्वतःला सावरताना दिसतायत कुंदन पाटलांकडे क्षमता आहे चेंडू सीमारेषेवर पाठवण्याची अक्षय सोनवणे 13 कुंदन पाटील 4 एक चौकार दोन धावा सांगतायत धावून गेलेत आणि या दोन धावा त्यांनी तयार केल्या लेग बायचा इशारा येतोय पंचांचा मोसिन आपल्या षटकातला शेवटचा चेंडू घेऊन 90 षटक पूर्ण होत आहे हा टाकलेला चेंडू परत तशा पद्धतीनं अपील केलं मोसिननी पण मात्र पंचांनी फेटाळून लावला आणि 9 षटकांचा खेळ या ठिकाणी अपील बरोबर संपतोय 62 धावा 6 गडी बाद आणि 9 षटकांचा खेळ संपलाय आता केवळ 6 चेंडूंचा खेळ बाकी चार्टर रेंजर्स काय करते बघूया दाव षटक आणि हा झेल या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न केला पण मात्र गडीबाद होतोय सीएस सुनील अक्षय सोनवणे आउट झाला कॅच घेतला तो डीप मिड विकेटवर दीपेशने शेवटचे 5 चेंडू क्रीजच्या कोपऱ्याने टाकलेला चेंडू दोन धावा देऊन जाईल निश्चित पण त्यांनी नकार दिला कारण खूप जलद गतीने आलेले होते त्या ठिकाणी शतरक्षक दावा किती होतील ठरवायचा आहे कडक छान सुंदर सीए सुनील चांगला स्ट्रोक उत्तम शतरक्षण निकलो म्हटलं पण मात्र निकलणं होणार नाही निकलो म्हटल्यानंतर कदाचित आपल्याला क्रीज वरून निकलावं लागेल कारण थ्रो अचूक योग्य टप्पा
वेदांत पाटनी आणि कुंदन पाटील खेळाला सांभाळण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेव्हा शेवटचा चेंडू येणं बाकी आहे, धावसंख्या 65, हा चेंडू ठरवेल की चार्टर संघाला किती धावा झाल्या. यास आसमंतात चेंडू येतोय, किती या 6 धावा होतील आणि हो 71 रन. सर खूप खुश झाले आचलिया सर आणि आपल्या खेळाडूचं कौतुक करण्याकरता हात आलेले आहेत ते खूप लांबवर. शेवटच्या चेंडूवर कोणीतरी षटकार मारावा एवढं कौतुक त्याचं केलं जात आहे ते रोहन सरांच्या माध्यमातून. सर आपण लवकर यायचंय, आपले बॅट्समन लवकर मैदानात पाठवा. स्कॉर्पियन आणि पॅट्रियॉटच्या दरम्यान नाणेफेक होते. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती, कृपया इकडे या. पॅट्रियॉट आणि स्कॉर्पियन नाणेफेकीसाठी कृपया इकडे या. मल्ली आले का दोघ? आकाश बल्लाल आप कहां हो? मयंक जी, सीए मयंक टॉस के लिए आइए प्लीज. बल्लाल सर, मयंक सर बल्लाल सर आकर यहां पर खड़े हैं. मयंक सर, चला सर बॅट्समन पाठवा लवकर. सर 72 रनांचं टार्गेट आहे. सर बॅट्समन पाठवा लवकर. मावशी बाहेरून या. अग्रवाल जी हो गए टॉस. भाई थक गए मयंक जी, आइए अंदर से आ जाइए. पायथ्यागोरसच्या सिद्धांताप्रमाणे या, अंतर कमी वाटेल. गीतेश भैया कुठे आहेत तुम्ही?
या तुम्ही तरुण असताना ही स्पर्धा सुरू झाली होती आणि तुमची दाढी सांगते की मागच्या 14 वर्षापासून आपण या स्पर्धेबरोबर जोडलेले आहोत. एक मोठा काळ आपण सीएन बरोबर घालवलेला आहे आणि जशी सामन्याला सुरुवात होईल तसं आपल्यासोबत जुळत आहेत सय्यद इब्राहिम. शुक्रिया सर. हरिकेन्स को हेलो हरिकेन्स को 72 रन चाहिए 60 गेंदों से. एम्पायर का इशारा यहां पर प्ले का. नितिन पटेल और दीपक सेठी की जोड़ी मैदान में. धनंजय पाटिल पहला ओवर करने जा रहे हैं. 60 गेंदों से 72 की आवश्यकता है हरिकेन्स को. मैच शुरू हो गया. हाँ थोड़ा बाजू से जी. एज 10 गॉन. फर्स्ट विकेट डाउन. आउट ऑन गोल्डन डक नितिन पटेल. पेट्रियट्स ने टॉस जीता है और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. तो पहला विकेट यहां पर खोया है हरिकेन्स ने. दीपक सेठी आउट हो गए हैं. कॉट बिहाइंड. रोहन ने उनका कैच लिया और इस तरह से पहला नुकसान यहां पर हुआ है हरिकेन्स को. यॉर्कर लेंग बढ़िया गेंद और पहली गेंद पर एक विकेट लेने में कामयाब हुए हैं धनंजय पाटिल. दीपक सेठी को आउट करने में कामयाब हुए थे. सौरभ कुलकर्णी नए बल्लेबाज आए हैं. सौरभ और नितिन की जोड़ी मैदान में. कैच का शॉट था और तेज दौड़ लगानी पड़ेगी. डायरेक्ट हिट वहां पर लेकिन नॉट आउट का अंपायर ने. एक पर एक. स्कोर एक पर एक. नितिन सामना कर रहे हैं धनंजय पाटिल का. टारगेट शायद कहीं और करने गए. गेंद गई लॉन्ग ऑन क्षेत्र में. लॉन्ग ऑन पर रोका गया और एक रन का यहां पर मौका था. कुल स्कोर 2 रन 2 for 1. 56 गेंदों से 70 रन चाहिए. 7.5 रन हर ओवर से. कोई यहां पर फुटवर्क नहीं. जगह पर खड़े होकर इसको डिफेंड करना चाहते थे. आउटसाइड एज बीट हुआ. बढ़िया गेंद. बहुत अच्छा ओवर कर रहे धनंजय पाटिल. बहुत शानदार. अब तक सिर्फ 2 रन आए हैं 5 गेंदों से और एक विकेट भी लेने में कामयाब हुए. बहुत ही शानदार ओवर. टाइट ओवर कर रहे धनंजय पाटिल. सौरभ सामना कर रहे हैं धनंजय का. फिर से यॉर्कर लेंगे और एक बहुत उम्दा ओवर यहां पर खत्म किया है धनंजय पाटिल ने.
सिर्फ दो रन दिए हैं पहले ओवर से। हरिकेन्स 2-for-1 आफ्टर वन। रेंजर्स ने अपने 10 ओवर्स खेलते हुए 71 रन बनाए 7 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें बहुत ही शानदार सभी का योगदान रहा। 11, 12, 13 इस तरह के बैटिंग परफॉर्मेंसेस। शैलेश ने 12 बनाए, धनंजय ने 11, अक्षय सोनोने ने 13, कुंदन पाटिल ने 13 और अभिनव शर्मा ने 9 रन बनाए। तो सभी का योगदान रहा है और 71 रन जुड़े हैं। गेंद हवा में, विकेट कीपर नीचे और पकड़े जाएंगे बल्लेबाज। जी नहीं, कैच छूट गया है। काफी ऊपर गेंद गई थी, विकेट कीपर ऑलमोस्ट उसके नीचे आ गए थे लेकिन कैच नहीं कर पाए और इस तरह से यहां पर एक मौका मिला है फिर से बल्लेबाजी करने का। नितिन पटेल को शैलेश बेदमुता अपना पहला ओवर कर रहे हैं और क्या बढ़िया गेंद थी शैलेश की।